हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर जब भी आप कंपनी में अल्टरेशन करना चाहते हैं, देखिए अल्टरेशन दो टाइप का होता है, एक कंपनी में अल्टरेशन और दूसरा जो अल्टरेशन होता है वो होता है लेजर में अल्टरेशन या स्टॉक आइटम में अल्टरेशन, इन सब में अल्टरेशन होता है। तो अल्टरेशन कैसे करते हैं, जैसे बनी हुई है कंपनी, जैसे ये कंपनी है मार्निंग, तो अगर इसमें अल्टरेशन करना है तो आपको क्या करना है, केवल कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ से जाकर के अल्टर कंपनी पर चले जाना है, जो चेंजेस करने हो वो कर लीजिए। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज करना, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। फिलहाल कंपनी में कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको लेजर में चेंज करना है तो यहाँ से आइए, लेजर पे आइए, अल्टर पे आइए, और यहाँ देखिए ये कह रहा है कि ग्रुप में कोई चेंज करना है, लेजर में चेंज करना है, करेंसी में चेंज करना है, वाउचर टाइप में। अगर मान लीजिए लेजर में चेंज करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेजर में चले जाइए, एंटर कर दीजिए, और जो भी लेजर में परिवर्तन करना है यहाँ से जाके परिवर्तन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। देखिए जैसे कैपिटल अकाउंट का ग्रुप गलत हो गया हो या कहीं कुछ ऐसा दिक्कत हो जो चेंजेस करना हो तो आसानी से अल्टर के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बात आती है स्टॉक आइटम में परिवर्तन की, तो आइए उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ से आइए और ये जो दिख रहा है ना स्टॉक आइटम, यहाँ पर आ जाइए और आ करके एंटर कर दीजिए। देखिए अगर पल्स, एक स्टॉक आइटम है हमारे पास, पल्स में कुछ चेंजेस करना हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पल्स के जगह कोई और स्टॉक आइटम रखना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यूनिट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या अल्टर हो पाएगा यूनिट, तो यहाँ पे जा रहे हैं तो सीधा कर्सर हमारा कहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, तो यूनिट यहाँ से नहीं बनेगा। यूनिट कहाँ से बनेगा, यूनिट को बनाने के लिए, अब देखिए जैसे राइस है, राइस भी दिखा देता हूँ, अगर राइस की जगह कुछ और लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट कैसे बनेगा, तो यूनिट बनाने के लिए आपको यूनिट पर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये जो यूनिट है ना, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो देखिए ये जो यूनिट है, अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें केजी की जगह क्या चाहिए था, क्विंटल चाहिए था, तो यहाँ लिख दीजिए क्विंटल, इस तरीके से क्विंटल लिख दीजिए, और जो सिंबल है वो दे दीजिए QTY सिंबल होता है क्विंटल का, और ये किलो जो लिखा हमने, किलो की जगह लिख देंगे क्विंटल, तो ये लिख दिया क्विंटल इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ डेसिमल प्लेसेस रख के आगे बढ़ जाएंगे तो ये क्विंटल हो जाएगा। समझ में आई बात, इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगर जाते हैं स्टॉक आइटम पर, तो यहाँ पर आना होगा हमको, कहाँ गया ये अल्टर पे, और फिर यहाँ से जाकर के स्टॉक आइटम पे जाना होगा। ये देखिए ये जो स्टॉक आइटम है, अब देखिए अब यहाँ पर अपने आप क्विंटल हो गया, देख सकते हैं ना, यहाँ पर चेंज कर, डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, ये जाकर के वहाँ यूनिट में जाके चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो से क्लियर हो जाएगा अल्टर का मतलब पूरा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।